आज की डेट में यह ऑपरेशन पूर्णतया दूरबीन विधि द्वारा भी संभव है। मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हेरिटेज हॉस्पिटल लंका में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यूरेट्रोवेजाइनल और वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला क्या होता है और उसके बारे में क्यों यह हो जाता है और क्या उसका इलाज है, इसके बारे में आपको एक छोटे वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा। वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला यह एक बीमारी है जो आमतौर पर ऑपरेशन के बाद, खासकर बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद में यह उत्पन्न होता है। यह बच्चेदानी के ऑपरेशन के समय पेशाब की थैली में छेद या कई बार कई मरीज जो बहुत अत्यंत मोटे होते हैं, अंदर बहुत ज्यादा जो बावल है यानी हमारी आंत है ये बहुत ज्यादा चिपकी हुई होती है, इसकी वजह से या पहले की प्रायर के यदि ऑपरेशन हो इसकी वजह से यूरेटर में इंजरी हो जाती है, मरीज की पेशाब ऑटोमेटिक लीक करने लगती है, इसी को हम वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। अमूमन ऑपरेशन से 7 से 10 दिन बाद जब मरीज का पेशाब की पाइप निकल जाता है तब यह मरीज कंप्लेंट करता है कि मेरी पेशाब डायरेक्ट हो गई है और मुझे पता नहीं चलता है। इस संबंध में जब मरीज यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता है तब यह हमको स्ट्राइक कर जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं पेशाब के रास्ते में चोट लगी है जो ऑपरेशन के दौरान या कई बार हो जाता है, जो कि कारण है जो मैंने आपको अभी बताया। अमूमन यह बड़ी ही डिस्ट्रेसिंग, मरीज को परेशान करने वाली समस्या होती है क्योंकि इसमें महिला मरीज का हमेशा पेशाब के नीचे का एरिया हमेशा गीला रहता है, उसकी वजह से उसको खुजली होती रहती है, डिस्कम्फर्ट होता है, कहीं वो बैठ नहीं पाती है और जो भी बेड या कुर्सी होती है वो गीला होता रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज हम लोग जो पहले मरीज को काउंसिल करते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, हाँ दिक्कतें हैं बट प्रॉपर इलाज से या दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। जो बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हम वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला के यदि हम संदर्भ में बात करें, जो छोटे छिद्र होते हैं कई बार वह पेशाब की रास्ते में नली डालने से और दवाई देने से भी ठीक हो जाते हैं, किंतु जो बड़े छेद होते हैं जो कि पेशाब की थैली और जो वेजाइना होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन होते हैं, वो उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। यह ऑपरेशन अमूमन जो बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ रहता है उसके 3 महीने बाद होता है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग उसको 1 से 1.5 महीने बाद भी कर सकते हैं। यह ऑपरेशन के दौरान यह जब यह ठीक किया जाता है तो यह पूर्णतया ठीक हो जाता है। आज की डेट में यह ऑपरेशन पूर्णतया दूरबीन विधि द्वारा भी संभव है। जहां तक यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला की बात है, यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला में जो हमारा यूरेटर होता है जो कि गुर्दे और पेशाब की थैली को जोड़ने वाला एक पाइप होता है, उसमें इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से यूरिन लीक करती रहती है। इसमें मरीज यह भी कंप्लेंट करता है कि मेरी कुछ पेशाब मैं नॉर्मल भी करने जाती हूं और कुछ पेशाब मेरी लीक भी कर जाती है। इस केस में भी यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला में भी हमें ऑपरेशन की ही आवश्यकता पड़ती है और इसमें भी ऑपरेशन को 3 महीने का कोई रूल नहीं है, इसमें 20 से 25 दिन बाद ऑपरेशन किया जा सकता है। यह दोनों ही बीमारियां यूरेट्रोवेजाइनल और वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला पूर्णतया ऑपरेशन से ठीक हो जाती हैं। हाँ, मरीज के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग जरूर रहता है, खासकर वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला जहां की वेटिंग टाइम ज्यादा है, लेकिन इसमें मैं आपको यह आश्वस्त जरूर करूंगा कि संयम से और ऑपरेशन के पश्चात में आप पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।